अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो मतलब कि आपको ऑफलाइन गेम्स पसंद है, क्योंकि ऑफलाइन गेम्स में हमको एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलता है और बिना किसी रुकावट के हम गेम प्ले काफ़ी इजीली कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऑफलाइन गेम्स बताने वाला हूँ, वो भी काफ़ी दमदार होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर न्यू विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा देना ताकि वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करता है नंबर 5th गेम से, जिसका नाम है डेड काइंड सर्वाइवल गेम। देखो ये एक सर्वाइव गेम होने वाला है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफिक वगैरह काफ़ी पीसी लेवल का देखने को मिल जाता है और स्टोरी लाइन भी काफ़ी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो काफ़ी सारे जॉम्बीज वगैरह देखने को मिलेंगे जिनसे आपको फाइट वगैरह करने पड़ेंगे, और टेंशन नहीं लेने का क्योंकि उनके लिए आपको काफ़ी सारे वेपन्स भी दिए गए हैं इस गेम में, जहाँ पे आप मस्ट गन को आप अपने पास रख सकते हो और उनसे आप जॉम्बीज से फाइट ले सकते हो। आप अगर चाहो तो फिर वेपन्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो जिससे कि आपको फाइट करने में और भी ज़्यादा आसान हो। मतलब गेम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। गेम का जो साइज रहने वाला है वो 310 MB और गेम ऑफलाइन होने वाला है, तो इंजॉय करो। एंड हम पढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और लिस्ट का नंबर 4th गेम कर रहा था, जिसका नाम है अक्वाटिका अंडर वाटर एडवेंचर। देखो ये एक एडवेंचर गेम होने वाला है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे वेदर नेचर इन्वायरमेंट काफ़ी गजब का देखने को मिलेगा और जितना भी आप इस गेम में मिस्ट्री वगैरह को सॉल्व करोगे वो सारी की सारी चीज़ें पानी के अंदर होने वाला है। मतलब आप जितना भी चीज़ें करने वाले हो इस गेम में, जितना भी वर्क आप करोगे वो सारी चीज़ें आप पानी के अंदर करोगे। काफ़ी सारे आपको ब्यूटीफुल वगैरह मछली वगैरह देखने को मिलेगा, मतलब मज़ा आ जाने वाला जब आप पानी के अंदर जाओगे तो। मतलब आपको मिशंस कंप्लीट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मतलब बोरिंग आपको नहीं लगने वाला है। गेम प्ले करो और एंजॉय करो। गेम का जो ग्राफिक वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है और मतलब मज़ा आ जाने वाला है, तो आप इस गेम को ट्राई करना। आपके एंड्रॉइड के लिए ये गेम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है और गेम ऑफलाइन है, मतलब कि आपको इंटरनेट भी नहीं लगने वाला, तो आप इजीली स्मूथ तरीके से गेम प्ले भी कर पाओगे बिना किसी रुकावट के। तो गेम का जो साइज निकल कर आता है वो है 190 MB और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और एंड नंबर 3rd गेम निकल करता है, इसका नाम है डेविल वार डूम शूटिंग गेम। देखो गेम काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है बट मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी बेस्ट, मतलब कस्टमाइज भी आप उसे कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही आपको काफ़ी सारे डिफरेंट वेपन देखने को मिल जाएगा जिनमें आपको काफ़ी सारे मस्ट पावरफुल वेपन्स भी देखने को मिल जाता है जिन्हें आप इजीली कस्टमाइज कर पाओगे। साथ ही आपको दोस्तों काफ़ी सारे कैरेक्टर देखने को मिलता है छोटे छोटे, एंड आप मॉन्स्टर वगैरह भी यहाँ पे आप कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। गेम का स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त होने वाला है, आपको फाइट करना होता है काफ़ी सारे एनिमी से, तो आपको वो चीज़ें आपको यहाँ पे जब सिनेमैटिक सीन में दिखाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को लगता है एंड आपको मज़ा आने वाला है। गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। हो सकता है कि गेम आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा बट आप इसे ट्राई करो और इन्जॉय करो, गेम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। गेम का जो साइज़ है वो 584 MB और गेम जो है वो ऑफलाइन होने वाला है, तो अगर आपके पास एक 3 या 4 GB का डिवाइस फोन है तो आप इसलिए स्मूथ तरीके से गेम प्ले कर पाओगे। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और एंड सेकंड नंबर जो गेम निकल रहा था, जिसका नाम है TDZ4 हार्ट ऑफ प्रिपेयर। देखो ये गेम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, जितना नाम इसका यूनिक है उतना ही गेम भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही आपको एक सिनेमैटिक सीन के साथ में स्टोरी लाइन चलाया जाता है, मतलब जिससे कि आपको पता चले गेम के बारे में कि स्टोरी क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे कुछ दोस्त होते हैं जो कि काफ़ी सारे मतलब फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं घूमने के लिए, बट वो जो है वो अचानक से वहाँ पे ज़ॉम्बीज वगैरह आ जाते हैं जिससे कि वो हमला कर देते हैं एंड आपको काफ़ी सारे फाइट वगैरह करना पड़ेगा तभी जाकर आप भी बच सकोगे और अपने दोस्त को भी बचा सकोगे। गेम में काफ़ी सारे स्टोरी लाइन है जो कि आपको बता नहीं सकता, बाकी आप सारे मिस्ट्री वगैरह को सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आने वाला है। गेम में आपको ग्राफिक क्वालिटी विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है एंड आपको एक दो सीन तो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा जिससे कि गेम का आप फैन होने वाले हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट गेम मैंने ये एक मुझे अच्छा लगा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो नेक्स्ट गेम की और भी बढ़ सकते हो। बाकी गेम का जो साइज निकल कर आता है वो है 400 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। गेम ऑफलाइन होने वाला है एंड हम पढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और एंड लिस्ट का नंबर 1st एंड लास्ट गेम निकल रहा था, जिसका नाम है द एकेडमी द फर्स्ट राइडल। देखो ये एक थोड़ा सा हॉरर वाला गेम भी लगने वाला है और आपको सर्वाइव भी फील आने वाला है, मतलब दोनों आपको देखने को मिल जाएगा इस गेम में। होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ स्टोरी लाइन। देखो काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि आप घूमने जाते हो बट आपके जो कुछ दोस्त हैं उन्हें बंधक बना लिया जाता है। अब वो क्या होता है क्या नहीं वो आपको इस गेम में पता चलेगा, तो आपको उन दोस्त को आपको बचाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों से आपको फाइट वगैरह करना पड़ेगा, काफ़ी सारे डिफरेंट एनिमी से फाइट करना होगा और आपको
थोड़ी सी हॉरर वाली वाइब भी आने वाला है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का सामना करना चाहते हो तो आप इस गेम को डाउनलोड करना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप कोई भी गेम को ट्राई नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इस गेम को जरूर ट्राई करना, मज़ा आने वाला है। गेम ऑफलाइन होने वाला है, वेदर नेचर एनवायरनमेंट काफ़ी गजब का देखने को मिलता है, रियलिस्टिक फिजिक्स आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल गेम काफ़ी बेस्ट है। देखा जाए तो गेम में काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बट अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो और गेम को ट्राई कर सकते हो। गेम का जो साइज है वो 700 MB के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को करते खत्म, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और नेक्स्ट गेम किसके ऊपर चाहिए आप लोग कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।